आम आदमी पार्टी ने कोविड टेस्ट को लेकर स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता ने आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना की जांच में स्वैब स्टिक का जखीरा कबाड़ी के ठेले में मिला, लेकिन इस पर स्वास्थ्य विभाग ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रमाकांत पटेल ने बताया कि कोविड टेस्ट के लिए इस्तेमाल होने वाली स्वैब स्टिक का जखीरा कबाड़ी के ठेले में पाया गया। सीएमएचओ से बात करने पर उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। लगातार इस प्रकार के मामले सामने आ रहे हैं, रिपोर्टों में हेरफेर की बातें सामने आ रही हैं। सारे सबूत सामने होने के बावजूद स्वास्थ्य विभाग मामले से पल्ला झाड़ लेता है। टेस्ट स्टिक का कबाड़ी के पास बड़ा जखीरा मिलना स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल या निशान खड़ा कर रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कोविड महामारी में लाखों लोगों की मौतें हुई हैं। भोपाल में ही रोजाना 150, 200, 300 लाशें जल रही थी। ये सरकार झूठे आंकड़े पेश करने में लगी हुई थी। ये सरकार कहीं 2 और 3 मौतें दिखा रही थी, ये किसी से छिपा नहीं है। लाखों लोगों की मौत हुई है, सरकार वो आंकड़ा छुपा रही है। ऐसी स्थिति में कोविड टेस्ट की हुई वो किट जिसमें सलाइवा लगा हुआ है वो कबाड़ी की दुकान में पाई जाती है। ऐसी स्थिति में उनके नाम नंबर जब कबाड़ी की दुकान में पाए जाते हैं तो सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था की मंशा पे संदेह हो रहा है। आपका ब्राइट फ्यूचर बुला रहा है फ्रॉम LNCT यूनिवर्सिटी प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर फॉर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फार्मेसी मेडिकल एग्रीकल्चर साइंस पैरामेडिकल लॉ एंड मेनी मोर विजिट LNCTU.ac.in। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।